नमस्कार, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आज हम पृथ्वी जैसे खोजे गए एक्सोप्लैनेट के बारे में बात करेंगे। वैज्ञानिकों ने लगभग पृथ्वी जैसा ही एक एक्सोप्लैनेट खोजा है। इस एक्सोप्लैनेट पर जीवन की संभावना जताई जा रही है और यह ग्रह लगभग पृथ्वी के आकार का है। यह पृथ्वी के केवल 1.36 गुना ही बड़ा है। इस ग्रह को वुल्फ 1069b नाम दिया गया है और इसके अलावा यह पृथ्वी से सिर्फ 31 प्रकाश वर्ष दूर है। यह अपने तारे की 15.6 दिनों में परिक्रमा कर लेता है। जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी यानी MPIA की टीम ने इस ग्रह की खोज की है। यह अपने तारे के चारों ओर रहने योग्य क्षेत्र यानी हैबिटेबल जोन में स्थित है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। रहने योग्य क्षेत्र यानी हैबिटेबल जोन से मतलब है जहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। रहने योग्य क्षेत्र में चीजें ना तो बहुत गर्म होती हैं और ना ही बहुत ठंडी होती हैं। हमारी पृथ्वी अपने तारे यानी सूर्य से इतनी दूरी पर है कि वह ना तो बहुत अधिक गर्म है और ना ही बहुत अधिक ठंडी है। इस प्रकार यहाँ पानी तरल रूप में मौजूद है। एक्सोप्लैनेट की अगर हम बात करें तो एक एक्सोप्लैनेट या एक्स्ट्रा सोलर ग्रह सौर मंडल के बाहर के ग्रह होते हैं। एक्सोप्लैनेट सूर्य की परिक्रमा न कर अपने किसी दूसरे तारे की परिक्रमा करते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी।